तो दोस्तों देख सकते हैं कितना बड़ा झींगा यहाँ पे यार, बाप रे बाप, ये देखो इतना तगड़ा झींगा, में देखा ही देखा पता नहीं, इतना बड़ा झींगा यहाँ पे मैं तो तड़े झींगा पहली बार देख रहा हूँ। इससे छोटा भी है, देख सकते हैं इससे छोटा झींगा भी है, ये तो बहुत ही बड़ा झींगा है। 700 रुपये किलो है यार ये झींगा, बाप। ये देखो दोस्तों हमने ये मच्छी ली है रोहू, और ये छोटी मच्छी ली है सुइया, और ये कटरा है, ये पंपलेट मच्छी था दोस्तों देखो, ओके 1200 रुपये किलो है मच्छी यार ये मच्छी 1200 रुपये किलो है पंपलेट। यहाँ की मच्छी नहीं, समुद्र से आती है बाहर से। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल कॉम्बो ब्लॉग। तो यार बहुत टाइम हो चुका है और मैं उठ गया हूँ, और टाइम हो रहा है इस समय बाप रे देखो 9:30 बज गया यार, 9:30 बजे उठा हूँ मैं। क्योंकि कल आपको तो बहुत लेट हो गया, सोते सोते पहले आया था, खाना खाया हम मार्केट से आए, फिर मैं उठा, फिर भाई बोला कि चलो क्रिकेट खेल चलते हैं बैडमिंटन, फिर चले गए बैडमिंटन खेलने के लिए, फिर वहाँ से आए, फिर मैंने आके वीडियो एडिट करी, तो मुझे सोते सोते रात का बज गया था 1:30, तो मैं 1:30 बजे सो गया था। तो फिर यार अभी नींद नींद खुलिए, सब लोग उठ चुके हैं, सब उठ के पूजा पाठ कर रहे हैं, और मैं भी छोटा भी नहा लेता हूँ, फिर मिलते हैं, देखते हैं आज कहाँ का प्लान बनाते हैं। तो आप मिलता हूँ, आप लोग मिलने बड़े हैं फ्रेंड्स। आज ब्रेकफास्ट हमने बनाया साग के पराठे यार, हम एडिट करना भूल गया था, मैं ये ख़त्म हो चुका है, एक ही बचा पड़ा है, खा रहा हूँ, ख़त्म हो गए हैं। ध्यान आया कि ब्लॉग बनाना था मुझे, तो मैं जब याद आई तो मैं बना लिया है। तो अभी आज हमने ब्रेकफास्ट में है हमारा साग का पराठा। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, तो हम घूम तो बहुत रहे हैं, धूप बहुत ज़्यादा है, तो सोचिए थोड़ा क्रिकेट खेल लेते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सोसाइटी में, एक पीछे बना हुआ क्रिकेट का नेट आगे बना रखा है, तो हम जाएंगे क्रिकेट खेलने, बॉल मैंने ले ली है और बैट उसने ले लिया है, तो हम चलते हैं ग्राउंड में। तो आज का ब्लॉग हमारा क्रिकेट ग्राउंड रहेगा, चलते हैं मिलते हैं हम क्रिकेट ग्राउंड में। ऊपर ऊपर जावे लिफ्ट, अभी तो लिफ्ट अच्छा सीधे चलते नीचे, क्या करना है नहीं यार, 1 किलोमीटर कौन जाएगा। तो फ्रेंड हम आ चुके हैं नीचे फ्लोर पे और जा रहे हैं क्रिकेट ग्राउंड की तरफ। यह है सोसाइटी का क्रिकेट ग्राउंड, छोटे छोटा बॉल भी खेलता हुआ बेबी, ये देखो। और हम जा रहे हैं अपने क्रिकेट ग्राउंड की तरफ। तो यह है सोसाइटी का नज़ारा, आप देख सकते हैं दिन में 1 बजे है, 1 बजे का टाइम है, और ये हमारी सोसाइटी का नजारा जा रहा है, यहाँ का व्यू। कैमरा जाना भूल गया मैं। तो दोस्तों मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया हूँ, मैंने एक अपने YouTube फैमिली के अंदर एक कल एक ऐड किया है ट्राईपोर्ट, मैंने लिया था दिल्ली मार्केट से, सरोजिनी नगर मार्केट से लेके आया एक ट्राईपोर्ट, जिससे मैं कल ब्लॉग बनाया था, बहुत ही प्यारा ब्लॉग बन रहा, क्योंकि मैं उसको ड्रोन कैमरे का सब यूज करता हूँ, काफ़ी बड़ी स्टेक है उसकी, तो वो स्टिक का काम करता है मेरा। तो गाइस फाइनली हम खेल रहे हैं बॉल, बड़ा बड़ा बॉल का मैच ये 2-2 ओवर का, तो हम पहली बॉल खराब हो गई है, तो जा रहे हैं छिपरा सन सिटी मार्केट, यहाँ से हमारे पगड़ में बदल हुई है, तो चलते हैं। ये हम यहाँ कॉर्नर से निकल चुके हैं और लेफ्ट टर्न करके बगल में ही है हमारे छिपरा सन सिटी मार्केट,
फिर देख सकते हैं रेड लाइट, जैसे ही अपनी सोसाइटी से बाहर निकले, सोसाइटी से बाहर निकलते आगे हमको पड़ गई पहली रेड लाइट। अभी रेड लाइट आ चुकी है और हमको जाना है राइट हैंड, तो हम आगे हैं। तो फाइनल दोस्तों आ चुके हैं, देख सकते हैं आप, यह यहाँ की पालिका ड्राई क्लीनर्स और शीतल लैब जो इसके अंदर ही है, सन सिटी सिप्रा सन सिटी के अंदर ही मार्केट है ये पूरी। हम पहुँच चुके हैं और बस जा रहे हैं, मुझसे वैसे 5 मिनट का रास्ता है, हमारे वहाँ से 5 मिनट में पहुँच जाते हैं। आप देख सकते हैं ये शॉप है लेंस, और हमको जाना है घड़ी बनवाने के लिए, तो हम चलते हैं सीधा घड़ी वाली दुकान पर। फिर देख सकते मार्केट की दुकानें खुल रही हैं, कुछ खुल चुकी हैं, तो ये हम पहुंच चुके हैं आंसू वॉच रिपेयर सेंटर। क्योंकि मैं ये वाली घड़ी है, इसका यार एक सेल खत्म हो गया, देख सकते हैं आप डिजिटल इसका चल नहीं रहा है, तो देख सकते हैं सर आप लोग इसका मैं डिस्प्ले नहीं आ रही है, खाली घड़ी चाहिए सुई चल रही है, तो उसका सेल डलवाते हैं, देखते हैं क्या होता है, बनता नहीं बनती है। तो यहाँ पे सन सिटी में और भी मार्केट है, आगे तक लास्ट तक शॉप ही शॉप है, आपको जो चाहिए हमारा प्रॉपर्टीज़ भी है यहाँ पे जो आपको चाहिए, तो लगभग लगभग यहाँ पे सभी शॉप हैं, यहाँ पे आप आ सकते हैं। तो जो यहाँ सोसाइटी के लोग हैं इसी में आते हैं, अपना शॉपिंग करते हैं, ऊपर चले जाते हैं, मतलब कि यानी कि फ्लैट से नीचे आए शॉपिंग करी से ऊपर चढ़ गए, तो वो जस्ट नीचे ही है। तो अभी हमारी घड़ी बन रही है, देखो कब तक बनती है, तो घड़ी बन रही है अभी, देखते हैं। अभी भैया जी खोल रहे हैं घड़ी को, बन जाती है तो फिर चलते हैं, तब तक मैं ब्लॉग में सेविंग कर लेता हूँ। यह है हमारे आशु वॉच रिपेयर सेंटर जो अपने सन सिटी चिपरा में है। चलते हैं हम अपने बार्बर शॉप की तरफ, देख सकते हैं आप मेरी सेविंग बहुत बढ़िया हुई है, तो चलो सेविंग करा लेता हूँ। 4 दिन हो गए दिल्ली आए हुए, 4 दिन से पहले यार तुम्हें सेविंग भी नहीं करवा रखी, अल्लाह ने भूल गया था, चले पास सेविंग करवाने, मैं सेविंग कर रहा हूँ, कहाँ बैठूँ। तो फ्रेंड्स बता कर सेविंग करवा लेता हूँ, फिर जाते हैं हम, देखते हैं कहाँ जाना है, अभी जाना शादी सेविंग हो चुकी है, देख सकते हैं थोड़ा गोरा दिखना, जब बहुत काला दिखाई दे रहा था ना, थोड़ा गोरा दिखना रहूँगा। पेट्रोल उड़ जाता ना एकदम से, डीजल तो सीलन देता है। भाई घड़ी में आ गया मॉइस्चर फिलहाल, तो देखते हैं क्या होता है अभी मॉइस्चर। तो फ्रेंड्स फाइनली घड़ी नहीं बन पाई है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले बोले यार इसका बनेगा नहीं, चला गया डिस्प्ले, चलो कोई नहीं चलते हैं वापस, कोई बात नहीं। अब बोले कि सर नई दिल्ली लेके जाना पड़ेगा, वहाँ होगा तो होगा, लेकिन बोले डिस्प्ले वाली घड़ी बनती नहीं जल्दी, अपने आप रखने का बताएंगे कैसे ख़राब हो गया, बढ़िया चल रही थी, चलो कोई नहीं बिना डिस्प्ले काम चलाएंगे। तो चलते हैं अभी यहाँ के दूसरी मार्केट में, वहाँ देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं जयपुरिया मार्केट, ये बोला मच्छी खानी, छोटा भाई बोला मच्छी खानी है, तो चलते हैं मच्छी लेके आते हैं, देखते हैं जयपुरिया मार्केट में। तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये हम पहुंचने वाले हैं, पहुंचने वाले क्या है पहुंच ही गए हैं, अभी यहाँ हम करते हैं बाइक को स्टैंड। तो दोस्तों ये है आगे मच्छी मार्केट, आप देख सकते हैं ये देखो इसमें जिंदा मच्छी, ये देखो इसमें जिंदा मच्छी चल रही है,
आज मच्छी खाएगा। मच्छी मार्केट यहाँ की मच्छी है, सुइया मच्छी, सुइया ले लेते हैं सबसे बढ़िया, सुइया ले लें। तो भाई देख सकते हैं हम मच्छी यहाँ पे, रोहू मच्छी भी है, सुइया मच्छी भी है, हम रोहू लेते हैं। बड़ी महंगी बोल रहे हैं, 400 रुपये किलो बोल रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना बड़ा झींगा यहाँ पे यार, बाप रे बाप, ये देखो इतना तगड़ा झींगा, में देखा ही देखा पता नहीं, इतना बड़ा झींगा यहाँ पे। मैं तो तड़े झींगा आज पहली बार देख रहा हूँ, इससे छोटा भी है, देख सकते हैं इससे छोटा झींगा भी है, ये तो बहुत ही बड़ा झींगा है, 700 रुपये किलो है यार ये झींगा, बहुत। ये देखो दोस्तों हमने ये मच्छी ली है रोहू, और ये छोटी मच्छी ली है सुइया, और ये कटरा है, ये पंपलेट मच्छी था दोस्तों, देखो बहुत 1200 रुपये किलो है मच्छी आ रही है, ये मच्छी 1200 रुपये किलो है पंपलेट, ये आगे मच्छी है समुद्र से आती है बाहर से दोस्तों। हमारी मच्छी होगी रोडी, ये देखिए ये लिए हमने, कोई पन्नी बन चुकी है देखो दोस्तों। यहाँ बकरा भी है, यहाँ सब मिलता है, बकरा ले लो, मुर्गा ले लो, मच्छी ले लो, जिस वैरायटी की मच्छी चाहिए आपको, 2000 रुपये किलो तक की मच्छी है यहाँ पे आपको, बाप रे 2000 रुपये किलो तक की मच्छी, बाप रे इतनी महंगी मच्छी। तो दोस्तों मच्छी ले ली है, देखो एक छोटी मच्छी ली है, एक बड़ी मच्छी ली है, तो दो वैरायटी की मच्छी ली है, चलिए बनाते हैं। और फिर गाड़ी है रेडी, लेकिन बड़ी महंगी मच्छी भाई, बहुत महंगी मच्छी भाई यहाँ पे, यहाँ भाई मच्छी बहुत महंगी दोस्तों, यहाँ पे खाली जो मच्छी वहाँ है उत्तराखंड में 150 रुपये किलो है, यहाँ पे 800 रुपये किलो है, और एक ऐसी मच्छी देखी मैंने 2000 रुपये किलो, वो यहाँ मच्छी वाले मिलती नहीं है, बाहर से, बाहर की मच्छी हो बाहर से आती है, 2000 रुपये किलो, बाप रे यहाँ खुली खुली है, इतनी महंगी मच्छी, मच्छी खाना ही महंगा, अच्छा खराब हो गया। तो चलो कोई नहीं, ले तो लिए हैं, चलते हैं घर की तरफ बनाते हैं। तो अभी आगे से दोस्तों हम लेंगे यू टर्न, क्योंकि हमें आगे पीछे आना है, वहाँ से हम लेंगे यू टर्न। यहाँ से हम लेके यू टर्न में सीधा जाएंगे अपने फ्लैट पे। यार ट्रैफिक बहुत है यहाँ पे ना, दिल्ली के मुझे बड़ा सुनना रहता है कि आपको कहीं जाना है तो बहुत लंबा मोड़ लेके आना पड़ता है, कठिन ही होती है, फ्लैट डैट है तो आपको सीधा जाना है, वहाँ से मोड़ के लिए आना पड़ेगा, इसी की बड़ी प्रॉब्लम है दिल्ली के लिए। तो हम यहाँ से आए हैं, किस रोड से आए थे, और हमको इतनी दूर वापस आना पड़ रहा है, गांव में होते तो अच्छे से मोड़ लेते, तो कोई बात नहीं, चलो अब आ गए हैं तो बैग वाला लगा है। तो दोस्तों उतर गए हैं यहाँ पे, हमने अपना बैग डब्बा रखा था, ये हमारा अपार्टमेंट है, तो बैग डब्बा में रख के चले गए मच्छी लेने के लिए, तो फटाक से ये है हमारा बैट, और ये है पॉल, हमने बैट वाल भी लिया है, देख सकते हैं जा रहे हैं। इसके आगे जो मेन गेट है दूसरा, वो एंट्रेंस गेट, ये है हमारा एग्जिट गेट, यहाँ से आउट होते हैं, और इसी के आगे है, यहाँ से हमें इन होना है। तो दोस्तों देखते हैं हम यहीं पे मैच खेले थे, क्रिकेट मैच, ये देखो ये है बना हुआ, यहीं पे मैच खेले थे, ये इस जगह, और इसके जैसे अपोजिट है जयपुरिया मॉल, ये सामने दिख रहा है बीकानेरी, सामने जयपुरिया मॉल है इसके, और ये है हमारा एंट्रेंस गेट, यहाँ से हम होंगे इन। स्टैंड अपार्टमेंट यहाँ से मिल हो जाएंगे, हम अपने हमारा स्टैंड आ गए, स्टैंड में गाड़ी खड़ी करी। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अपने फ्लैट पे, अभी हम करेंगे सारे लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट आ रही है, लेकिन मज़ा आया भाई मच्छी लेके, मज़ा आ गया, इतनी बड़ी बड़ी मच्छी थी यार, बाप रे इतनी बड़ी मच्छी, मच्छी में देखा झींगा, मैं आपको झींगा दिखा जाता हूँ, इतना बड़ा झींगा था, 100 से 150 ग्राम एक ही झींगा था, और 100 से 150 ग्राम झींगे में हमारे उत्तराखंड में कितना सारा झींगा पड़ जाता है। तो कैसे खाने में आ चुके घर पे, अब जल्दी से मच्छी साफ कर लेते हैं, लिफ्ट फंसा आधा घंटे, 15 मिनट से ज़्यादा हो गया हमें फंसे लिफ्ट में, मैं किसी शक्ल देखी थी, चलो ठीक है पहुँच गए, जल्दी मच्छी साफ करते हैं। तो कैसे देखो अभी वो मच्छी हो रही है हमारी अनबॉक्सिंग, ये देखो एक मच्छी हमने है बड़ी वाली, यह है रोहू मच्छी, और एक मच्छी और लेके आए हम,
ये देखो गाइस, ये मच्छी है, इसे बोलने कंचा मच्छी है। ये वाली मच्छी थी 5 रुपए किलो, 2 पीस देगा। तो दोस्तों दो मच्छी हम लेके आ गए, दो टाइप की, दो वैरायटी है। एक छोटी मच्छी देखो और एक ये रोहू मच्छी। तो अभी हम फटाफट साफ करते हैं, फिर बनाते हैं, आज को बताते हैं कि मच्छी कैसे बनाई जाती है, पहाड़ी मच्छी। तो दोस्तों ये है कंचा मच्छी, बड़ी वाली मच्छी ने साफ कर दी है। और इसको यहाँ इसको लेथन है, साफ करने से बड़ा टाइम लगता है इसको, क्या ना इसको हर एक आंते निकालनी पड़ती है, आंखें साफ करनी पड़ती है, उसके छोटे छोटे पंख होते हैं। तो उसको यहाँ कुछ है तो नहीं रगड़ने के लिए, तो यहाँ पर नमक, तो हम नमक का सहारा ले रहे हैं। तो नमक की सहायता से इसको देखो ऐसे रगड़ रहे हैं, तो इसका जो है छोटे पंख हैं ये सब साफ हो जा रही है, ये ऐसे करके पूरे साफ हो जा रहे हैं, ऐसे करके ये कर रहे हैं। तो बस अभी ये इसका प्रोसेस अभी चल रही है क्लीनिंग का, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि मच्छी को कैसे बनाया जाता है। आपके भाई रेसिपी हो जाएगी, आपको जैसा पता है लिफ्ट में फंस चुकी थी, तो आधा घंटा में फोन से वेस्ट हो गया। तो लिफ्ट से निकल के आए तो मच्छी बना रहे हैं, तो टाइम हो चुका है, 2:30 बज चुका है, अभी लंच नहीं हुआ हमारा, तो अगर मच्छी खाएंगे 4:30 बजे। तो आप लोग ब्लॉग बने रहे, हम जल्दी से साफ करके फिर बनाने की कार्रवाई करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैंने मच्छी को कर दिया है हल्दी नींबू लगा करके मैरिनेट, और इसमें मैं कर रहा हूँ मैरिनेट को शैलो फ्राई, देख सकते हैं आप। और ये ग्रेवी है जो बन के तैयार हो चुकी है मच्छी की, ग्रेवी तैयार है। इसमें मैंने जो मसाला पकता है अपना, जो भी मसाला था सबको पता ही है मसाला में क्या होगा, मैं मसाला को फ्राई कर लिया और फिर मैंने पानी डाल दिया, ग्रेवी तैयार कर ली है। और ये हो गया सैलो फ्राई, तो सैलो फ्राई होती है तो सैलो फ्राई पीस को इसमें डाल दूँगा और फिर हमारी जो है मच्छी बन के तैयार। और सबसे ईजी है ये और बहुत जल्दी बन जाती है यानी मच्छी, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमको मच्छी लानी है, साफ़ करनी है, साफ़ करके धो धा के नींबू छिड़क के ताकि बदबू ना है मच्छी की, और हल्दी लगा के इसको मैरिनेट कर लेनी है, और हल्का सा साइड में से तेल लेकर उसमें सैलो फ्राई करना है। और अगर दूसरे चूल्हे में आपको अपना मसाला तैयार कर लेना है, यहाँ से सैलो फ्राई पीस होता है और उठा के इसमें डालते रहो और इसमें खोला लगा दो, और 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी मच्छी बन के तैयार हो जाएगी। तो हम बनाता हूँ ना, फिर आपको बता दूँगा टेस्ट कैसा है। तो कैसे आप देख सकते हैं कि बड़ी मच्छी में इसमें रेडी हो चुकी है, और एक छोटी मच्छी जिसको हम कंची मच्छी बोलते हैं, उसको हम मसाला बन के तैयार हो चुका है। और वो तो मसाला हल्का ब्राउन हो गया, आप देख सकते हैं। तो हम इसमें डालेंगे इस मच्छी को, अब इस मच्छी को इसमें डालेंगे छोटी वाली मच्छी को, रेट कहीं से ही आप देख सकते हैं हमने छोटी वाली मच्छी इसमें डाल दी है। बच्चों धीरे धीरे पूरे मसाले को इसमें मिलाएंगे, ध्यान रखिए इसको ज़्यादा ना हिलाओ, क्योंकि ये छोटी मच्छी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, तो ज़्यादा हम इसको हिलाएंगे तो ये क्या होगा कि गल जाएगी, जगह लगना शुरू हो गई नीचे। हल्के सॉफ्ट खाते हुए हल्का हल्का धीरे हिलाते रहना है, देख सकते हैं कि छोटी मच्छी थी, हमने उसको डाल दिया कढ़ाई में, उसको हल्की सी लो में पकाना है। ज़्यादा तेज़ आग करोगे तो क्या होगा, चिपक जाएगी। हल्की लो आँच में रख के उसको हल्का हल्का सा मसाला तो हमने पहले मिला चुके हैं इसमें, और उसको हल्का सा साइड में कढ़ाई की पूरी साइड में चिपका देना है, ताकि धीमे धीमे लो आँच में अपने आप पकते हो, जिसका पानी है जो सेंटर में जाकर अपना क्या है जल जाएगी, दिखा देना है चाहो कढ़ाई क्या। तो इसको मिक्स करना चाहिए, ज़्यादा आप हाथ या ज़्यादा इरादे से करें तो कैन छोटी है गल जाएगी, चिपक जाएगी और टूट जाएगी, तो उसका मच्छी का हलवा बन जाएगा। तो है कि आप बस हल्का सा साइड में करके ऐसे देख सकते हैं आप, थोड़ा पूरा मच्छी में हमारा कलर मिल चुका है, जो मसाला है हो गया है। तो यह है कि अभी हमारी मच्छी हमने लो आँच में दे दिए, और लो आँच में 10 से 15 मिनट का बस है। तो फ्रेंड्स आप देख से भी देख सकते हैं अभी 5 मिनट हो चुका है, और हल्का हल्का सा मच्छी में ब्राउन नस हो गई है, तो जैसे ऐसी लग गई है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हल्का सा पलटे मार देंगे, ताकि इस शहर सिक चुकी है तो इस शहर से सिक जाए, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके इसको पलट देंगे मच्छी को, ऐसे करके इसको पलट देंगे। तो ये मेरी अपनी शॉर्टकट रेसिपी है, मैं कोई
स्पेसिस को नहीं हूँ, ये मैं बस ऐसी कभी बना लेता हूँ। तो आज मैं सोच रहा हूँ खुद ही मच्छी बनाऊँ, तो जैसे मैं मच्छी बनाता हूँ अपने स्टाइल से, ये मेरा अपना स्टाइल है, तो आप लोगों को कैसा स्टाइल है मुझे बता देना, मैं तो ऐसे बनाता हूँ भाई। तो अगर आप भी ट्राई करना आपको भी मज़ा आ जाएगा। अभी हमने क्या किया, इसको हल्का सा पलटी मार दी और ऐसे हम थोड़ा साइड में कर देंगे, तो क्योंकि जैसे वाली है कि जो उसका पानी है वो तो ऐसे बीच में आकर के क्या है सीख जाएगा, ये साइड साइड से जाएगी तो मच्छी होती है। और ये मच्छी क्या है कि बहुत ही जल्दी गल जाती है, इसको ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों वैसे मैं कोई स्पेशलिस्ट कुक नहीं हूँ, बस जिस दिन दिल मूड पड़ता है तो मैं बना लेता हूँ। तो ये मेरी अपनी पर्सनल रेसिपी है, अगर आप लोगों की कोई अपनी पर्सनल रेसिपी है तो उसको भी मेरे संग पक्का कमेंट बॉक्स में शेयर करना, बताना कि आप लोग कैसे बनाते हो। तो जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मैं अपनी रेसिपी अपने हिसाब से बनाता हूँ। तो गाइस हमारी मच्छी हो चुकी रेडी और अब हम जल्दी से करते हैं लंच। तो गाइस यहीं पे इसी ब्लॉग का करते हैं अंत, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो बताना, और मैंने जो मच्छी बनाई थी उसकी रेसिपी आपको कैसी लगी, और उसको आप अपने पक्का ट्राई करना एक बार, तो वो मुझे कमेंट में बताना कि आपके बनी या नहीं बनी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हो सके तो मेरे चैनल का जो मेरा चैनल है उसको अपने स्टेटस पर लगाना ना भूलें, और अपने दोस्तों से या दोस्तों से भी पक्का मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट ही मेरा सब कुछ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।